गाजियाबाद के नेहरू स्टेडियम में पहली बार महिला क्रिकेट खेल का आयोजन किया गया, जिसमें कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली जैसी जगहों से टीमें आई और उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाया। इस बीच टूर्नामेंट के आयोजक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फिर बेटी खिलाओ जैसी अभियानों को बढ़ावा देने के लिए यह पहली बार किया गया है और इसके 6 महीने बाद पर एक बड़ा टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा जिसमें और भी ज्यादा जगह से खिलाड़ी आएंगे। मेरा नाम गोल्डी सहगल है, एनएसजी क्रिकेट एकेडमी। मैं पिछले 7 साल से एकेडमी चला रहा हूं। बहुत ही शानदार बॉलिंग का प्रदर्शन कर रही है नया चिल्लर और अपने पूरे एक्सपीरियंस का फायदा उठा रही है। ज्यादा महिलाओं या लड़कियों को प्रमोट करने की जो मुहिम चलाई हुई है उसके तहत ये प्रोग्राम शुरू किया है। नेशनल रफ्तार दैनिक समाचार जो हमारा निकलता है उसके माध्यम से ये एक मुहिम शुरू करी गई है और हमारा जो नेशनल रफ्तार जितने भी आयोजन समिति है हमारी उसके सबके सहयोग से ये जो लड़कियों को प्रमोट करने का जो हमारा ये है ये एक छोटे स्तर पे शुरू किया गया था लेकिन सबका सहयोग बहुत अच्छा रहा है तो अगले फरवरी में एक बड़े स्केल पर इस आयोजन को करा जाएगा। अच्छा, और अभी जो फिलहाल मैच चल रहा है कहाँ कहाँ की टीमें इसमें 4 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। KNC दिल्ली की टीम, NSG गाजियाबाद, RCC मध्य प्रदेश और बरेली की टीम, बरेली वुमेंस क्रिकेट अकेडमी। 4 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। सबसे बढ़िया करने वाले का नाम इसमें बड़े उसकी KNC की एक लड़की ने 6 विकेटें ली हैं और एक हैट्रिक बनाई है और हमारी UP की जो हमारी गाजियाबाद की टीम है पिंकी ने 34 रन बनाए जिसकी वजह से मैच जीता। महिलाओं के उत्थान के लिए, महिला शक्ति के उत्थान के लिए एक छोटा प्रयास है हमारा जिसमें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ अभियान, ये हमारा नारा है। नेशनल रफ्तार के तत्वाधान में ये कार्यक्रम जो है आयोजित किया जा रहा है और इसमें लगभग 60 बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं जिसमें कि 4 टीमें हैं इसमें, जिसमें कि 4-5 तो रणजी प्लेयर भी हैं इसमें जो खेल रहे हैं, रणजी ट्रॉफी वाले जो प्लेयर हैं वो भी खेल रहे हैं और अभी ये शुरुआत है, एक पहला प्रयास है हमारा इस तरह का और इसके आगे जो है आने वाले समय में अभी जो है इसमें और आगे जो है उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होती रहेगी और टीमें जो हैं इसके अंदर आएंगी और हिस्सा लेंगी, ऐसा हमारा प्रयास है और आगे और ये और बढ़ेगा कार्यक्रम। अभी इसमें मध्य प्रदेश से, दिल्ली से, गाजियाबाद की खुद की अपनी टीम है और एक बरेली से भी टीम आई हुई है, इसमें 4 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं और सभी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बड़े अच्छे खिलाड़ी यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत अच्छा मैच खेल रहे हैं, बड़ा अच्छा प्रदर्शन है इनका। ट्वेंटी फोर आवर्स टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और रेगुलर न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए।